सरकार कहती थी रेरा एक्ट लाएंगे बिल्डरों को फायदा होगा, बिल्डर कोलैप्स हो गए। सरकार कहती जीएसटी लाएंगे व्यापारियों का फायदा हो गया, व्यापारी मिट गए। सरकार कहती थी हम इसके बाद नोटबंदी लाएंगे काला धन आएगा, काला धन तो आया नहीं। सरकार कहती थी किसानों को बिल लाएंगे किसान फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा इस देश में किसको मिला? कॉरपोरेट तंत्र को फायदा मिला, अडानी अंबानी बाबा कामदेव को फायदा मिला। बाबा मिल जाए तो हम सलवार फाड़ देंगे अब की उनका। स्वागत है आपका नेशन दृश्य में, मैं हूं आपके साथ फरीद। आज हमारे साथ है स्वर्ण पांडे जो बेबागी से अपनी राय रखते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे पूछते हैं यहां पर जो जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर, उस पर उनका क्या कहना है? सर ये जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, जनता की जेब खाली होती जा रही है, लेकिन फिर भी सत्ता में तो बीजेपी आ रही है। बिल्कुल, देखिए इस देश में हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुन दिया है इस देश में कि वो गलती हो गई है। आज नींबू के दाम 350 रुपए किलो हैं और देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत अच्छी है। महंगाई इस देश में इतनी चरम पे है, आज डीजल की बात करिए, पेट्रोल की बात करिए, आटा महंगा, डाटा महंगा, जो लोग ये फ्री देने का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं इस देश में देश की अर्थव्यवस्था फ्री देने से कम हो जाएगी। महंगाई पेट्रोल की है, रसोई गैस की है, टमाटर बैगन किसी भी आप बात करिए। मैं इसी भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं कि बीजेपी के शासनकाल में नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि देश में महंगाई की मार बहुत है, अब की बार मोदी सरकार। तो मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपको महंगाई पे मां क्यों नहीं याद आ रहा है? आज महंगाई की मां बोलने के लिए नहीं तैयार है हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि इस देश की जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुमले पे जुमले फेंक रहे हैं। ये तो जुमले प्रधानमंत्री हैं, ये इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। हम प्रधानमंत्री जी से पूछते हैं, यही कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। आज बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, किसान बदहाल है, मोदी सरकार मस्त है। आखिर क्या यही मोदी सरकार की अपेक्षा थी? ये देश की जनता ने वोट दिया था कि महंगाई और वो बेरोजगारी कम होगी। देश के प्रधानमंत्री कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, शिक्षा पे बात नहीं करते, सिर्फ इस देश में एक धार्मिक विशेष को लड़ाने का काम करते हैं। तो ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए हमें, हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो इस देश की सामाजिक सौहार्द के लिए और महंगाई को कम करने के लिए, इसीलिए हम इस लड़ाई को लगातार लड़ रहे हैं। और आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वो बीजेपी के खिलाफ वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने का तैयारी है। इस बार चुनाव में भी बोल रहे थे बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन आई तो बीजेपी बहुमत के साथ। अब आप बताइए, जिस देश जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुनाव हार चुके हों, जिनके ऊपर लाठियां और डंडों से बरसाया गया हो, इस देश में बताइए, अगर आप माइक लेके आई हैं, मैं आपको कुछ बोल दूंगा तो कल से आप हमारे पास माइक नहीं लेंगी। उसी लखीमपुर खीरी में देश के किसानों के ऊपर थार चढ़ाया गया, 750 से ज़्यादा किसान हुए, शहीद हुए। EBM के द्वारा ये सरकार आई है, 325 से 255 पहुँची है ना ये सरकार, 255 से जो आने वाला चुनाव है इस सरकार का पूर्णता सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि अब जनता जान चुकी है केवल झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ, दिन भर झूठ बोलते हैं मोदी जी। आखिर उस दिन क्या मीटिंग बुलाने की जरूरत थी? अगर इस देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती तो आज हमारा देश 87% कर्ज में है GDP का, और श्रीलंका जो था वो भी 85% GDP का कर्ज में था। अब वहां श्रीलंका में देख लीजिए वही हार भारत में होने वाला है। तो एक दिन प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि मेरी जनता की तपस्या में कोई कमी हो गई है, मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कहा था ना देश के किसानों के साथ, तो वही है अब कहने वाले हैं, क्योंकि समय आ गया है। इस सरकार अब अर्थव्यवस्था नहीं संभाल रही है, एक हमारी नक्चढ़ी चाची है अर्थव्यवस्था, जो वो फिनांस मिनिस्टर हैं, वो बोल तो कुछ बात नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। कभी सोचती है बेचेंगे तो अर्थव्यवस्था सही हो
जाएगी, कभी सोचेंगे निजीकरण होगा तो अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी। अब इस सरकार ने मोनेटाइजेशन का भी कार्य शुरू कर दिया है, एक नई कंपनी बनाई है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन, जिसके द्वारा रेलवे के बगल की कंपनियां बेची जाएंगी। रेलवे जो बड़ी बड़ी संपत्तियां जमीन है, वे सरकार जमीन बेच हो गई है, सेल बेचा, घेल बेचा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगा, वे सरकार जमीनों को भी बेचने का काम करेगी। तो ऐसी सरकार को अब परिवर्तन चाहिए। 7 साल में इन्होंने विनाश करने का काम किया, अब इस सरकार की बदहाली खत्म कर दी जाएगी, इस सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। जो सरकार बोल रही है निजीकरण से फायदे होंगे, जॉब निकलेंगी और जो विकास होगा, संस्थाओं का विकास या फिर देश का विकास अच्छे से हो पाएगा। सरकार कहती थी रेरा एक्ट लाएंगे, बिल्डरों को फायदा होगा, बिल्डर कोलैप्स हो गए। सरकार कहती जीएसटी लाएंगे, व्यापारियों का फायदा हो गया, व्यापारी मिट गए। सरकार कहती थी हम इसके बाद नोटबंदी लाएंगे, काला धन आएगा, काला धन तो आया नहीं। सरकार कहती थी किसानों को बिल लाएंगे, किसान फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा इस देश में किसको मिला? कॉरपोरेट तंत्र को फायदा मिला, अडानी अंबानी बाबा कामदेव को फायदा मिला। ये जो लोग 2014 से पहले रामलीला मैदान में कहते थे दोस्तों 30 रुपये डीजल चाहिए या 100 रुपये, तो अब जब पत्रकार माइक लेकर सवाल पूछता है तो कहते हैं कि पूछ फाड़ लेगा क्या? तो मैं कहता हूँ बाबा आप सड़क पे निकले तो जनता आपकी सलवार फाड़ने का काम करेगी, बाबा मिल जाए तो हम सलवार फाड़ देंगे आपकी उनका कुर्ता। ये देश की जनता को गुमराह करने का काम किए हैं, और जो गुमराह करने का काम करेंगे, जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है, और बीजेपी ने सत्यानाश करने का काम किया है, इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जनता माफ नहीं करेगी। ये राम राज्य की कल्पना करते हैं, राम के नाम पे लूटने का काम करते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो, इन्होंने लूटने का काम किया है, और ऐसी लूट तंत्र की सरकार अब हमें नहीं चाहिए। अच्छा, जो जनता है वो तो खुश है, राम राज्य से मंदिर बन गया उनके लिए, फ्री में राशन का फायदा उठा रही है। आप बताइए, मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूँ, ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, इस सरकार में क्या 2014 के विवाद हमने धर्म को पढ़ाया था? नहीं, ये धर्म के नाम पे ये बेचने को लिए तैयार हैं। आप हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और जो सरकार, हमारी सरकार जो देश के लिए देश हित में काम नहीं करेगी उसके खिलाफ आवाज उठेंगे। राम राज्य की ये कल्पना नहीं कर रहे हैं, ये अडानी अंबानी के उद्योगपतियों के लिए कल्पना कर रहे हैं। एक तरफ से जनता का पैसा ले रहे हैं, दूसरी तरफ कॉरपोरेट को पैसा। इस देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और गरीब गरीब होता जा रहा है, क्या इस देश में ऐसी सरकार चाहिए थी? ये लूट तंत्र, गुंडा तंत्र, झूठी फरेबी प्रचार जीवी और गुंडा जीवी, ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश हो या देश की जनता आपकी बार नदारत करने का 2024 में फैसला कर चुकी है, क्योंकि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, प्रधानमंत्री मोदी जी को सत्ता से बेदखल करेंगे, और भारत बचाओ देश बचाओ जो अभियान है इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इस देश की जनता का खून चूसने का काम किया है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जुमले पे जुमले फेंक रहे हैं, तो अब जुमला नहीं चाहिए, अब विकास चाहिए, विनाश नहीं चाहिए। आपने विनाश करने का काम किया है तो ऐसे प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल करेंगे। अच्छा, विकास तो हुआ है ऊंची जातियों वाले लोगों का, लेकिन आप खुद ब्राह्मण है, आपकी आपका विकास नहीं हुआ? भाई आप बताइए, इस देश की जनता का विकास होता तो हम आज सड़कों पे खड़े होते? ये सरकार कहती है कि हम लोगों को, युवाओं को रोजगार दिए हैं। मैं कहता हूँ इस देश में अगर योग्यता के अनुसार रोजगार है, मैं MBA किया हुआ छात्र हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी नौकरी दे दीजिए, मैं MBA विद मार्केटिंग फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन के, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। ये केवल उसमें प्रचार में, केवल ब्रांडिंग में इनका दिखाया जाएगा कि देश में 4 लाख युवाओं को, 24 करोड़ जनता में योगी जी ने 4 लाख रोजगार दिया था। तो ऐसे प्रधानमंत्री, CMI की रिपोर्ट आप मैडम उठा के देख लीजिए, आज़ादी के 75 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। रूरल और अर्बन में जाके देख लीजिए, आज हंगर इंडेक्स की बात कर लीजिए, भुखमरी में निचले पायदान पर है, और हम वो डंका बजाने का काम कर रहे हैं कि देश की मोदी का डंका बज रहा है। डंका नहीं बज रहा है, लंका जैसे भी देश का हाल होने वाला है, जिस तरह से वहाँ पे महंगाई चरम पे है, यहाँ पे भी महंगाई चरम पे है, और आने वाले समय में बहुत जनता को त्राहिमाम त्राहिमाम होना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, इन बेईमानों से जंग लड़ना है हमें, और इस पर विजय प्राप्त करेंगे हम।
अच्छा, डंका तो बज रहा है। सरकार बोलती है कि जो पुतिन है उसने मोदी सरकार के लिए 6 घंटे तक युद्ध रोक दिया ताकि भारतीयों को वापस लाया जा सके। आप गई थी देखने, अंजना ओम कश्यप जी गई थी देखने? तो ये स्ट्रीम मीडिया के लोग इस देश में महंगाई की नहीं बात होगी, वो कहेंगी पाकिस्तान में तक था पलट हो रहा है, पाकिस्तान में तक था। अरे भाई, देश की जनता की जमीनी स्तर पे आज क्या, जमीनी पे क्या लड़ाई है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, बस केवल पाकिस्तान मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही दिखाया जाता है। आप स्ट्रीम मीडिया है तो बिकाऊ मीडिया है, जो हमारे चारों स्तंभ हैं उसको बेचने का काम किया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, इसका खात्मा हो गया है। इस देश में लोकतंत्र का भी खात्मा करने वाले हैं, लेकिन हम नौजवान हैं इस देश के और भारत युवाओं का देश है और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम जंग नहीं लड़ेंगे। आजाद भगत सिंह ने कहा था, बहरों को जगाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। तो इस सरकार के खिलाफ महंगाई के लिए हम सड़कों पर उतर पड़े हैं और आने वाले समय में अगर पूरे देश में हमें आंदोलन करना होगा, जेपी आंदोलन जैसे, इस सरकार में एक नई क्रांति के रूप में और भारतीय जनता का पार्टी के खिलाफ लड़ने का काम करेंगे और हम लड़ाई को लड़ते रहेंगे हमेशा। अच्छा, जो देश का युवा है वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखता है, लेकिन जब वोट का टाइम आता है वो युवा कहाँ चला जाता है, क्यों बीजेपी सत्ता में आ जाती है? देखिए, जो ईवीएम में, आखिर आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनको 2021 अप्रैल में क्यों अपॉइंट किया गया? क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था और ये सरकार कहती है उत्तर प्रदेश चुनाव का सेमीफाइनल है और सरकार देश की जनता के सामने गुजरात मॉडल को प्रोजेक्ट करना चाहती है। गुजरात में सबसे ज्यादा कर्ज पे है इस समय गुजरात राज्य, 3,500,000 करोड़ कर्ज पे है गुजरात, और ये गुजरात मॉडल प्रदर्शित करने की बात करते हैं। तो देश की युवा सड़कों पे है, लेकिन ईवीएम का जो षड्यंत्र है, मैं ऐसी जगह से आता हूँ, अयोध्या से आता हूँ मैडम, और अयोध्या में ही आप जाके देखिएगा, वही राम राज्य की कल्पना करते हैं जहाँ 7 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है और न्याय नहीं मिलता है, उसी राम राज्य की बात करते हैं? ये राम राज्य के नाम पे गुंडा तंत्र की बात करते हैं। तो ये इनको युवाओं से नहीं मतलब है, इनको किसानों से नहीं मतलब है। ये सरकार कहती थी हम किसान आंदोलन, 1 साल की लड़ाई गाजीपुर बॉर्डर पे थे, पूरे चारों बॉर्डरों पे खड़े थे, लड़ाई लड़ते रहे। इस सरकार ने आखिर में क्या काम किया, एमएसपी पे दाम नहीं दिया, जो काले कानून लाई थी वही वापस कर दी। तो ये सरकार झुकेगी, लेकिन झुकाने वाले हम ही लोग हैं। जिस तरह किसानों ने झुकाया था उसी तरह इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे और 2024 में सत्ता से बेदखल किया जाएगा, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे। तो देखा आपने, इनके अंदर गुस्सा है सरकार को लेकर, जो सरकार है वो झूठे वादे कर रही है, जो सच्चाई है उसे छुपाने का काम किया जा रहा है, जो झूठ है उसे फैलाया जा रहा है ताकि जनता तक सच्चाई ना पहुंच सके और जनता हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के जो मुद्दे हैं, जो झूठे मुद्दे हैं, उनमें ही फंस के रह जाए। मैं फैजान सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नशे दस्ते की। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।